यात्रियों का सफर और भी सुगम व आरामदायक बने इसके लिए भारतीय रेल निरंतर प्रयासरत है। इसी दिशा में देश भर के रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प कर उन्हें विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस बनाया जा रहा है। राजस्थान में स्थित उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन का भी पुनर्विकास किया जा रहा है। इस स्टेशन को आगामी 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पुनर्विकसित किया जा रहा है। इसके पुनर्विकास कार्य में 354 करोड़ रुपए की लागत आएगी। स्टेशन पर 72 मीटर चौड़ाई का विशाल एयर कॉन्कोर्स होगा जो विभिन्न सुविधाओं से लैस होगा। स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज को स्काईवॉक से जोड़ा जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए 20 लिफ्ट और 26 एस्केलेटर का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त वेटिंग रूम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कैफेटेरिया, सीसीटीवी कैमरे और अंडरग्राउंड पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। वहीं पूरा स्टेशन दिव्यांग फ्रेंडली होगा। स्टेशन पर पर्यावरण संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा, जल संरक्षण, रिसाइकलिंग जैसी व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। पुनर्विकास के अंतर्गत वर्तमान में मिट्टी की खुदाई, फुटिंग्स और कॉलम्स बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें ORH बिल्डिंग की मिट्टी की खुदाई का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसकी 47 फुटिंग्स में से 30 फुटिंग हो चुकी है और 65 कॉलम्स में से 9 बनाए जा चुके हैं। वेस्ट साइड की बिल्डिंग के लिए 70% खुदाई का कार्य पूरा किया जा चुका है और 310 में से 104 मीटर RCC केबल ट्रेंच किया जा चुका है। इसमें प्रीकास्ट कवर के 405 केबल ट्रेंच में से 310 लगाए जा चुके हैं। स्टेशन बिल्डिंग के ईस्ट साइड में 80% मिट्टी की खुदाई का कार्य पूरा कर लिया गया है। कॉम्पैक्ट सब स्टेशन बिल्डिंग के लिए 95% खुदाई का कार्य पूरा हो चुका है और यहां फुटिंग्स का कार्य किया जा रहा है। ये स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं से तो लैस होगा ही, साथ ही इसका पुनर्विकास स्थानीय विरासत को सहेजते हुए किया जाएगा, जिससे ये स्टेशन न सिर्फ यहां आने वाले यात्रियों के लिए बल्कि यहां आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनेगा।